Hello guys, welcome back to my channel The Architect's World. I hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे एलसीडी पैनल के बारे में. हम डिस्कस करेंगे कितने हाइट का होना चाहिए. हम बेसिक सारी चीजें कवर करेंगे, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस, कैसे डिजाइन हमें लेने चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. हम ऑलमोस्ट हर चीज कवर करेंगे. पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइड से, कितना वाइड होना चाहिए. अब आपका जो वाइड है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पैनल का यूज कर रहे हैं, यानी कि बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, और आपका रूम छोटा है या फिर बड़ा है, और प्लस आपका जो इंटीरियर डिजाइनिंग हो रखी है या जिस थीम में आपका रूम है उस थीम के अकॉर्डिंग वो चीज जा रही है या नहीं जा रही है, वो सारी चीजें इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको बेडरूम में ले रहे हैं, आपका जो बेडरूम है वो पूरा ही पूरा मॉडर्न स्टाइल पे जा रहा है, तो आपका जो पैनल होगा वो भी मॉडर्न स्टाइल पे जाएगा. जो चीज बेडरूम में यूज हो रही है, लाइक वॉलपेपर यूज हो रहा है, तो आप उसके कंट्रास्ट में कुछ देना चाहते हैं, तो हर चीज डिपेंड करती है आपके इंटीरियर डिजाइन पे कि आपके बेडरूम में क्या डिजाइन चल रहा है. सेकेंडली, जैसे कि आपका बेडरूम है, ऑफकोर्स मास्टर भी है या फिर स्मॉल बेडरूम भी है, तो उन दोनों ही केस में हमारा जो एलसीडी पैनल रहता है वो 5 से 6 फीट का वाइड रहता है. अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो आप साइड में उसके ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग टेबल ले सकते हैं या फिर स्टडी टेबल टाइप कुछ ले सकते हैं. अगर स्मॉल बेडरूम है तो आप 5 से 6 फीट का एलसीडी पैनल इनफ रहता है ताकि जो आपका बेड है, बेडरूम है, जो वो स्लीक नजर आए, बहुत भरा भरा ना नजर आए. और इनकेस आपको एलसीडी पैनल डिजाइन करना है ड्रॉइंग एरिया में, अब ड्राइंग एरिया के पास काफी बड़ा है, आपको पूरी वॉल हाईलाइट करनी है, तो आप उस केस में उसको काफी अच्छे 8 फीट 9 फीट तक भी डिजाइन कर सकते हैं. डिपेंड करता है आप कहाँ पे बना रहे हैं और उस रूम का क्या साइज है. इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है आपकी विड्थ. जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो बहुत स्लीक सा एलसीडी पैनल है, बहुत छोटा सा, जो आप बेडरूम में यूज कर सकते हैं. और जो राइट हैंड साइड है वो काफी हेवी पैनल है, मुझे काफी वाइड में काफी बड़ा, कम से कम 8 से 9 फीट का वाइड है. तो ऐसे पैनल्स आप यूज कर सकते हैं ड्राइंग रूम में, वो भी तब जब आपके पास अच्छा खासा स्पेस हो ड्राइंग रूम में, ताकि ड्राइंग रूम बहुत क्लमजी नजर ना आए. तो बात होगी वाइड की. अब बात करें हाइट की, तो हाइट हमारे पास सेम चलती है चाहे ड्राइंग रूम हो चाहे फिर बेडरूम हो, बस डिपेंड करता है डिजाइन पे. जब कई डिजाइन होते हैं जो पूरे सीलिंग तक जाते हैं एलसीडी पैनल के, उस चीज पे डिपेंड करता है. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी जो हाइट रहती है एलसीडी पैनल की वो रहती है 7 से 8 फीट की. हमारा जो डोर का लिंटल लेवल होता है, हम ट्राई करते हैं कि वो लेवल सेम रहे ताकि एक सिमेट्री नजर आए पूरे पूरे रूम में, यानी कि 8 फीट रहती है. अब डिस्कस करते हैं कि पैनल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए. पहले हम बात करते हैं जिस पार्ट पे मेरा टीवी हैंग होता है, इस पार्ट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए. जो हमारा बोर्ड आता है वुडन का, वो होता है 19 mm की थिकनेस का बोर्ड आता है मार्केट में. तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये मेरी वॉल है, हम वॉल से आगे 19 mm का बोर्ड लगा दिया, जो वहां पे जो मेरे चारों कॉर्नर्स है हम इधर करते हैं डबल टक्कर, यानी कि वो हमें साइड से दिखाई देंगे, 1.5 इंच की थिकनेस दिखाई देगी हमें साइड से, लेकिन इन शॉर्ट वो होते हैं 19 mm की. तो हम सिर्फ साइड में डबल टक्कर का यूज किया जाता है. ये तो हो गया हमारे छापे, हमारा टीवी हैंग होता है. जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं वो ड्रॉर्स होते हैं 12 से 15 इंची के, मिनिमम होता है 12 इंची और मैक्सिमम होता है 15 इंची. तो ये बात तो हमारी वॉल की थिकनेस, इसकी थिकनेस की. उसके बाद डिपेंड करता है हमारे पास फिनिशिंग पे. सपोज अगर मुझे लैमिनेट लगाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं 19 mm के बोर्ड पे सीधा लैमिनेट पेस्ट कर दूंगी अपनी चॉइस का. अब सपोज कि मुझे इस पे लगाना है पीयू, तो पीयू मेरा बोर्ड पे नहीं होता, वो या तो एमडीएफ पे होता है या फिर एचडीएमआर पे होता है. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम 19 mm के बोर्ड पे आगे 4 mm या फिर 6 mm का एचडीएमआर बोर्ड लगाते हैं या फिर एमडीएफ लगाते हैं, ताकि उसमें पीयू हो सके. तो वो डिपेंड करता है मेरी फिनिशेस पे कि आप क्या फिनिशेस दे रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें किस लेवल पे ड्रॉ स्टार्ट करने चाहिए, फ्लोर लेवल से कितना स्पेस छोड़ना चाहिए. तो मोस्टली हम स्कर्टिंग लेवल छोड़ देते हैं, स्कर्टिंग मेरा 5 इंची का है तो मैं फ्लोर लेवल से 5 इंची छोड़ दूंगी स्कर्टिंग लेवल तक, उसके ऊपर अपने ड्रॉ स्टार्ट करूँ ताकि मुझे क्लीनिंग के लिए अच्छे स्पेस मिल जाए. अगर हम बात करें जो पैनल हमें स्क्रीन पे दिख रहा है इसकी, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने फ्लोर लेवल से 5 इंची छोड़ा हुआ है, स्कर्टिंग लेवल से ड्रॉ स्टार्ट किए हुए हैं. हमें इसको ड्रॉ दिया हुआ 1 फीट का, 1 फीट वाइड का हमने इसको ड्रॉ दिया हुआ है. उसमें हमने 3 ड्रॉ दिए हुए हैं, 6 फीट वाइड है, तो 3 ड्रॉ दिए हुए हैं 2-2 फीट के. उसके ऊपर मेरा एलसीडी का पॉइंट आ रहा है और उसके ऊपर हमने पीओपी में ये बीडिंग बनवाई हुई है, यहाँ पे कोई भी वुडन वर्क नहीं हुआ है. तो हर चीज डिपेंड करती है आपके डिजाइन पे.
कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम इस एलसीडी पैनल की डिटेल करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं आपके लिए। तो हम डिटेल स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज ये है मेरा फिनिश फ्लोर लेवल FFL, फिनिश फ्लोर लेवल। इसके ऊपर ये मेरा आ गया स्कर्टिंग, सॉरी ये आ गया मेरा 5 इंची स्कर्टिंग, गॉट इट। अब मेरा जो पैनल बनना है वो इतना बनना है, जो मैं लाइन डार्क कर रही हूँ इतना हमारा पैनल बनना है। हाइट वाइज बात करें तो इतनी इसकी हाइट जानी है, दोनों साइड से इसकी हाइट मेंशन कर देते हैं और ये इसका ये मेंशन कर देते हैं। ओके, ये 6 फिट का वाइड है और इसकी हाइट है 8 फिट की। अब स्कर्टिंग के बाद ऊपर आता है हमारा ड्रॉर, तो ये आएगा हमारा ड्रॉर। 6 फिट है तो 2-2 फिट के 3 ड्रॉर्स आ सकते हैं, 2 फिट 2 फिट 2 फिट। इसका लेवल रहेगा प्लस 15 इंची वॉल से, प्लस इसे हम फिनिश कर देंगे वाइट पीयू में एज पर रेफरेंस इमेज। ओके, अब ये मेरा था स्कर्टिंग 5 इंच की, 5 इंच से मैंने ड्रॉ ले लिया ऊपर 9 इंच का, 5 इंच से ऊपर 9 इंच लिया। उसके बाद एज पर इमेज यहाँ हमने दिखाई हुई है टक्कर 1.5 इंच की, टक्कर दिखाई हुई है 1.5 इंच की, इसको भी हमने फिनिश किया हुआ है वाइट पीओ में। अब इसका लेवल रहेगा इससे 15 इंच से 1.5 इंच प्लस में आएगा, यानी कि 16.5 इंच का लेवल रहेगा प्लस में इंच। ओके, अब इसके बाद हमने ऊपर लिया हुआ डिजाइनिंग में कुछ वुडन पैनलिंग टाइप ली हुई है, राइट। तो हम यहाँ बनाएंगे 9 इंच की वुडन पैनलिंग, कुछ ऐसी लाइंस हैं, इनको बोलते हैं हम लोग वुडन बटन्स, मार्केट में मिलते हैं। ये आते हैं 25x12mm के, जिसे हम फर्दर फिनिश करेंगे विनियर में, प्लस उसके ऊपर हो जाएगी पॉलिश। ओके, अब ये भी लेंगे हमने 9 इंच का, हमें डिवाइड कर दिया 5 इंच की स्कर्टिंग, 9 इंच का ड्रॉर, देन फिर 1.5 इंच की टक्कर, देन फिर 9 इंच का हमारा वुडन पैनलन। अब ये वुडन पैनलन सेम ऊपर भी बनेगा, वो भी बनेगा 9 इंच का, 9 इंच का यहाँ बन गया, वही सेम वुडन बटन्स। जो सेंटर पार्ट बचा यहाँ पे लगेगा हमारा टीवी। ऐसा इमेज जो फिनिश किया हुआ है वो है, दो ऑप्शन है उसके लिए, या तो है वॉलपेपर, सेकंड ऑप्शन है चारकोल शीट। दोनों ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, चारकोल शीट। ओके, ये तो होगी हमारी डिटेल उसकी पैनल की। अगर मैं इसका साइड सेक्शन देखूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज ये मेरी साइड सेक्शन के लिए, ओके साइड सेक्शन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, आपको दिख रहा है ऑफकोर्स। सपोज ये मेरी वॉल है, ये मेरी वॉल है, स्कर्टिंग पार्ट छोड़ देते हैं। ये हमने बना दिया यहाँ से 15 इंची का ड्रॉर, 15 इंची प्लस में बना गया हमारा ड्रॉर। उसके बाद 1.5 इंची प्लस में ये बन गई टक्कर 1.5 इंची की, जो 1.5 इंची यहाँ से प्लस में लगी 1.5 इंच की ये चीज़ रहेगी। अब बात करते हैं अगर इसकी इलेक्ट्रिकल पॉइंट की, उसका हमने अलग पॉइंट बनाया हुआ है। सपोज आपको पॉइंट चाहिए, पहला चाहिए, पहला पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे सेकंड ड्रॉर के पास, इधर एक पॉइंट आता है, इधर ये पॉइंट आता है 12 एम्पियर और 25 एम्पियर का सॉकेट और स्विच, एक एक्स्ट्रा देते हैं हम और एक देते हैं हम लोग सेटअप बॉक्स के लिए। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेटअप बॉक्स इस ड्रॉर के अंदर लेना है या फिर आपको सेटअप बॉक्स लेना है इस चीज़ के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म बनेगा 1.5 इंची का इसके ऊपर। आपको पहले से डिसाइड करना होगा सेटअप बॉक्स कहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पे लोगे तो सेटअप बॉक्स वो पॉइंट की हाइट आएगी 1 फिट, और यहाँ पे लोगे पॉइंट की हाइट आएगी 18 इंची फ्लोर लेवल से। कैसे देखो, 5 और 9 कितना होगा 13, 1 फिट यहाँ कहीं आएगा, सेंटर हम 1 फिट लेंगे तो
पॉइंट छुप जाएगा उसके अंदर, हमारा पैनल खराब नहीं होगा। और एक पॉइंट यहाँ ले देते हैं टीवी के लाइन के लिए जो आता है 3.5 फिट पर। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।